सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। सो गाइस, लिस्ट होती क्या है? बेसिकली आपने अगर सी सी प्लस प्लस वगैरह कोई लैंग्वेज पढ़ी है, उसके अंदर आप एरेस पढ़ते थे और आप बनाते थे कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, एक आप उसमें लिस्ट टाइप की बनाते थे। अभी हम बात करें पाइथन की, तो सी सी प्लस प्लस को साइड करके हम बात करेंगे पाइथन की। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं और लिस्ट कैसे बनाते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, सीधे आपको लेके चलूंगा विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे आके सबसे पहले फटाफट मैं बनाऊंगा एक फाइल और फाइल का नाम रख दूंगा मैं list1.py। और यहाँ पे आके मैं जैसे ही एंटर करूंगा, यहाँ पे फाइल आ चुकी है हमारी, खुल चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक लिस्ट और उसका नाम मैं रख दूंगा list1 में रख दूंगा इसका नाम। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हमें क्या करना होता है पूरा बताऊंगा, लिस्ट होती क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक list1 जो कि मैंने नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और लगाएंगे हम = और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। डिफरेंट टाइप के आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2, 5, 8, 20 और 89, कुछ भी आप रैंडमली वैल्यूज दे सकते हैं। तो मैंने ले लिए हैं कुछ 6 वैल्यूज यहाँ पे, तो इस प्रकार से आप कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। आप इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं और फ्लोट वैल्यूज भी दे सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल सारी की सारी इंटीजर्स दिए हैं सिंप्लिसिटी एकदम मेंटेन करने के लिए, आगे हम अभी और चीजें भी देखेंगे। अभी मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, ये एक लिस्ट बन चुकी है हमारी। अगर हम इसे रन करके देखें इस प्रोग्राम को, तो अभी हमें कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमारी सिर्फ लिस्ट बनी है। अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट भी करा लूँ, तो मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करा लूँ, मैं लिख दूँ प्रिंट list1, और अगर मैं इसे अब रन करूं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी लिस्ट जो है आके प्रिंट हो गई, जो कि हमने एलिमेंट्स दिए थे सेम एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, हमने बनाई लिस्ट, यहाँ पे मैंने बताया आपको list1 मैंने नाम दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इन्हें लिखते हैं। और एक बात और, लिस्ट जो हमारी म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल क्या है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इस म्यूटेबल वर्ड को भी थोड़ा सा साइड करते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब हम टपल पढ़ेंगे और टपल और लिस्ट का कंपेरिजन करके देखेंगे। फिलहाल यहीं पे हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे थे लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट को मैंने बनाया और मैंने प्रिंट कराया लिस्ट को एज इट इज, एलिमेंट्स हमारे नीचे प्रिंट हो गए। हम इसमें स्ट्रिंग्स की तरह, जैसे कि आपने स्ट्रिंग वाली अगर वीडियो देखी हो, अगर ना देखी हो तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का एक्सेस जरूर करें उसे। हमने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग की थी और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस किया था। फॉर एग्जांपल, मुझे 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी मैं उस टाइप से कर सकता हूँ, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। लिस्ट वन का अगर मेरे को 0th एलिमेंट चाहिए, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर list0 लिख दूंगा और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया और मैं इसे प्रिंट कराऊंगा मैं list0th एलिमेंट को, और जैसे ही मैं इसे अब रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया और ये हमारे पास लिस्ट की वजह से देखने को मिल रहा है हमें। और इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर दूंगा, और कमेंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया है, अगर आपको कमेंट्स नहीं पता क्या होते हैं तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर से देखें। तो मैंने इसे कमेंट कर दिया, तो इसे तो ये इग्नोर कर देगा इस लाइन को। और यहाँ पर list0 मैंने लिखा है, तो list10, तो यहाँ पर 2 मेरे पास आउटपुट में आ गया, तो ये सिर्फ इसी को ही मेरे को आउटपुट में दिखाएगा। अगर मेरे को सेकंड एलिमेंट चाहिए तो सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा, यानी कि 0 से इंडेक्स चालू होता है तो थर्ड नंबर वाला हमारा सेकंड इंडेक्स पे होगा, यानी कि 8 मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा आउटपुट के अंदर, और 8 मेरे पास आ गया। तो सेम स्ट्रिंग की तरह हम कर पा रहे हैं। अगर आपने स्ट्रिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके उसे आप देखें। और इसी प्रकार से जैसे कि हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा था कि हम बीच में से कोई वैल्यू उठा के, फॉर एग्जांपल सेकंड इंडेक्स से मुझे लास्ट तक वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर कोलन लगा सकते हैं और कोलन लगा के हम पीछे कुछ भी ना दे तो वो लास्ट तक की वैल्यूज ले लेगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा सेकंड से वैल्यू लेगा, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ से, यानी कि 0, 1, 2, तो 8 से वैल्यू लेगा, 8 से लेके एंड तक चले जाएगा, 8 से लेके 45 तक ये वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8, 20, 89 और 45 इसने एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। क्यों किए, क्योंकि हम सेकंड इंडेक्स से वैल्यू लेके चल रहे हैं, यानी कि 0, 1 और 2 से, यानी कि 8 से वैल्यू कहाँ तक, लास्ट में हमने कुछ नहीं दिया तो ये लास्ट तक एंडिंग तक इसे खुद ले लेता है, तो यहाँ तक 45 तक इसने प्रिंट कर दिए। अब हमने देखा कि लिस्ट बनाई, उसे प्रिंट करा, उसका स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं list1 और list1 का मेरे को फॉर एग्जांपल
थर्ड जो इंडेक्स पोजीशन है उस पे हमारा 20 जो है वैल्यू है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 और उस पे मैं वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, वैल्यू चेंज करके मैं कर देता हूँ 20 की जगह 80। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं लिस्ट वन को अपनी, तो क्या होगा, 20 जो है 80 से रिप्लेस हो गया होगा। और जैसे ही रन करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 80 आ चुका है। और अब मेरे पास एलिमेंट्स हो चुके हैं 2, 5, 8, 80 और 89 और 45। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर। सो इससे पता चलता है हमें कि लिस्ट म्यूटेबल है, उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को हम चेंज कर पा रहे हैं, तो हम लिस्ट में चेंजेस ला पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था म्यूटेबल, यानी कि हम इसे चेंज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमने लिस्ट बनाई तो ये इंटीजर वैल्यूज की बनाएंगे, हम कोई दूसरी लिस्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिस्ट 2 बना दूं अगर, और इस फिलहाल इस सब को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इससे हमारे कोड पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट 2 बना लूंगा। लिस्ट 2 के अंदर मैं स्ट्रिंग्स ले लूं, मैं ले लूंगा जीवन, और मैंने कोई नाम ले लिया अंकित, और मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, और मैं ABCD कोई नाम ले लेता हूँ, और मैंने ये स्ट्रिंग्स की लिस्ट बना दी। अगर इसे भी मैं प्रिंट कराऊं तो तब भी ये चलेगा, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इस टाइप से ही बनाएं। और नंबर्स की बनानी है, स्ट्रिंग्स की बनाएंगे तो वो भी चलेगी, और इस प्रकार से यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि मैं स्ट्रिंग की ही बनाऊं, मैं यहाँ पे कोई नंबर भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे मैं 8.7 लिख दूं, तो एक मैंने फ्लोट वैल्यू ले ली, एक मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली, दो मैंने स्ट्रिंग्स ले ली। तो यस, कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आप आउटपुट देखें, और ये आ गया यहाँ पे G1, 2, ABCD और 8.7। सो हम चाहे तो नंबर्स की बना ले, चाहे हम फ्लोट वैल्यू, इंट वैल्यू और स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन में बना ले, चाहे हम चाहे तो स्ट्रिंग्स की बना ले, और हम लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बना सकते हैं। फिलहाल इसे पूरे को मैं इरेज करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बनाई लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने बना दिया कुछ और चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया एक और लिस्ट 1, 3, 5, 7, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, और इसके अंदर एक और लिस्ट बना दी मैंने 5, 6, 7, 8। तो इस टाइप से मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दी, यानी कि एक लिस्ट है उसके अंदर एक लिस्ट ये रही, और उसी के अंदर एक और लिस्ट ये रही। तो एक लिस्ट है उसके अंदर दो और लिस्ट बना ली, तो इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी हमारी, और इसको मैं प्रिंट कराऊं तो इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट बन गई। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, और इसी टाइप से हम एक लिस्ट बनाएं और दूसरी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यूज डालें तो उन दोनों को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। सो बेसिकली यही है लिस्ट, इन सब चीजों के बारे में मैंने बात की। और अगर मैं बताऊं तो लिस्ट के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, और एक फ्रेशली एक लिस्ट बनाते हैं बढ़िया सी, और इसमें हमने एलिमेंट्स डाल दिए कुछ इस टाइप से। मैं थोड़ा इधर उधर वैल्यूज करता हूँ, और इस टाइप से हम कुछ कुछ भी वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज डाल लेते हैं, और इस टाइप से मैंने कुछ वैल्यूज ले ली। अब लिस्ट के अंदर हमारे कुछ फंक्शंस भी होते हैं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं लिखा लिख दूंगा लिस्ट 1.append। तो अपेंड नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है, और अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है आखिरी में जोड़ दो, यानी कि लास्ट में जोड़ दो। अब अपेंड के अंदर मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 121। तो अपेंड से होगा क्या, इस लिस्ट के अंदर लास्ट में जाके 121 वैल्यू को वो अपेंड कर देगा, यानी कि लास्ट से जोड़ देगा। तो लास्ट में कहाँ, लास्ट एलिमेंट हमारा 0, तो 0 के बाद हमारा 121 भी आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट करूँ अभी लिस्ट 1 को, तो यहाँ पर क्या होगा, हम आउटपुट देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे 121 अपेंड होके यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर। तो हमारा क्या हुआ, अपेंड से हमारा लास्ट में वैल्यू को जोड़ देता है। अब उसी प्रकार से हमारे पास इंसर्ट भी होता है। इंसर्ट क्या करता है, अगर मैं इसे हटाऊं और इंसर्ट लिखूं, मैं अपेंड की जगह मैं लिख दूं इंसर्ट, इंसर्ट से क्या होगा, ये एक वैल्यू लेता है कि किस इंडेक्स पे आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे चेंज करना है, और चेंज नहीं करना, मुझे इंसर्ट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या है, 0, 1, 2, 3, 3 पे हमारा 67, तो 67 की जगह आ जाएगा हमारा 121, और पूरी जो हमारी लिस्ट है वो आगे को खिसक जाएगी, और जो 67 है फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, 1 जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये एक एक प्लेस आगे बढ़ जाएंगे और 121 यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 121 और फिर 67, फिर 1, फिर 67, इस प्रकार से आगे आगे को खिसक गया, और जो हमारा 121 था वो थर्ड पोजीशन पे आकर
इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट से क्या होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आके वो उस वैल्यू को इंसर्ट करेगा, और अपेंड से क्या होता है, कुछ भी हो चाहे वो लास्ट में आके उस वैल्यू को जोड़ देगा। उसी प्रकार से अगर हमें रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, तो हमारे पास यहाँ पर होता है हमारे पास रिमूव, और रिमूव से क्या होगा, कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 67 दो है हमारे पास, मैं फॉर एग्जाम्पल 3 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, और मैं जैसे 3 को रिमूव करूंगा तो यहाँ से 3 हमारे जो लिस्ट है उसमें से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 3 रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं आप इस आउटपुट के अंदर, यहाँ से 3 हमारा रिमूव हो गया। लेकिन अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक पोजिशन से रिमूव कराना चाहता हूँ, रिमूव से तो क्या होगा, हमारा 3 हमने दिया एलिमेंट 3 रिमूव हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अभी मैं आपको पहले एक एग्जांपल और देता हूँ, 67 जैसा कि मैंने बोला हमारे पास 2 हैं, तो हम देखते हैं कौन सा वाला रिमूव होता है। जैसे मैं रन करूंगा तो हमारा 67 कौन सा रिमूव हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे आप, जो भी किसी भी एक एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस होती है ना, फर्स्ट अकरेंस जो भी होती है एलिमेंट की, यानी कि सबसे पहले ये आ रहा है, तो सबसे पहले ये आ रहा है, तो जब हम रिमूव फंक्शन चलाएंगे तो चेंजेस जो होंगे, यानी कि रिमूव कर दो, किसे रिमूव कर दो, जो भी उसकी फर्स्ट अकरेंस आ रही होगी, यानी कि ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था, ये तो हमने एक एलिमेंट को बताकर रिमूव कराया, हम चाहते किसी एक पोजिशन को बताएं हम, और उसे उस पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 को रिमूव कराना चाहता हूँ, और मैं 3 को रिमूव कराना चाहता हूँ, तो पोजीशन क्या है इसकी, 0, 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे ये है, तो मैं पोजीशन दे दूंगा यहाँ पे 2, और पॉप के अंदर हम जैसी पोजीशन देंगे तो यहाँ से ये इस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो पॉप फंक्शन को हम यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव कराने के लिए। तो सेकंड पोजीशन पे क्या था, 3, और 3 हमारे यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हम अगर डायरेक्ट हम इसमें कोई वैल्यू ना दे और पॉप को डायरेक्ट अगर चलाएं, तो डायरेक्ट चलाने से पॉप को क्या होगा, हमारा जो है जैसे कि अपेंड आखिरी में आके जोड़ देता है, पॉप हमारा आखिरी से रिमूव कर देता है। तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कुछ पढ़ा हो कभी, तो आपको ये बातें समझ आएंगी, अगर ना आए तो बैक करके एक बार वीडियो को थोड़ा सा फिर से देख लें। सिंपली से मैं यहाँ पर सिंपल सी काफी चीजें हैं, जैसे कि मैंने 0, मैंने पॉप फंक्शन चलाया, तो 0 जो था लास्ट में था, तो लास्ट से वैल्यू रिमूव हो गई। तो हमने क्या देखा, अपेंड से जो है लास्ट से वैल्यू जुड़ जाती है, पॉप से डायरेक्टली लास्ट से वैल्यू चले जाती है, और पॉप के अंदर अगर हम कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन दे तो उस स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हम रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो रिमूव के अंदर हम पोजीशन नहीं देते, वैल्यू देते हैं जिस वैल्यू को हमें रिमूव कराना है। और हमने देखा इंसर्ट अगर हमें कराना है, तो एक पोजीशन देंगे और कॉमा लगाकर हम देंगे जो भी वैल्यू हमको इंसर्ट करानी है, तो वो उस पोजीशन पे जाके उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। लेकिन अपेंड जो है लास्ट में होके अपेंड करता है, यानी कि लास्ट में जोड़ता है। तो सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अगर हम अपेंड करेंगे तो एडिशन एट लास्ट, यानी कि लास्ट में एडिशन होगा किसी भी एक एलिमेंट का। अगर हम इंसर्ट को यूज करते हैं, इंसर्ट कर देगा इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, तो इंसर्ट से क्या होगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। और इसका सिंटेक्स हमारा क्या होता है, हम पहले देते हैं एक पोजीशन, और फिर हम क्या करते हैं, पोजीशन कॉमा कोई भी वैल्यू होती है वो वैल्यू देते हैं हम। और पॉप से क्या होगा, पॉप से होगा हमारा डिलीशन फ्रॉम लास्ट, ठीक है, डिलीशन फ्रॉम लास्ट। और पॉप के अंदर अगर हम कोई वैल्यू दे दें, अगर हम पॉप के अंदर कोई वैल्यू दे दें 3, तो ये पोजीशन हो गई, उस पोजीशन से ये उस वैल्यू को रिमूव कर देगा, पोजीशन एट पोजीशन नहीं डिलीशन लिखना था मुझे, डिलीशन एट थर्ड इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली पॉप को यूज कर रहे हैं, तो हमारा डिलीशन फ्रॉम लास्ट होगा, अगर पॉप 3 को यूज कर रहे हैं तो डिलीशन होगा थर्ड वाले इंडेक्स का डिलीशन हो जाएगा। और अगर हम यूज करें रिमूव को, तो रिमूव अगर हम लिख रहे हैं 67, तो डिलीशन ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू, तो डिलीशन होगा एक स्पेसिफिक वैल्यू का, यानी कि रिमूव से क्या होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करता है, लेकिन पॉप से क्या होता है, उस इंडेक्स वैल्यू पे, यानी कि उस पोजीशन पे जो भी है, इंडेक्स यहाँ पे है पोजीशन, तो उस पोजीशन से उस वैल्यू को रिमूव करता है। तो हालांकि मेरी अंग्रेजी थोड़ा इधर उधर हो गई होगी, उसको आप इग्नोर करें और चीजों को आप समझे बस कि कैसे ये काम कर रही है, और अंग्रेजी में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है।
और यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसे मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चीजें बता दी हैं, तो यही सब था यहाँ पर लिस्ट के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टपल के बारे में और डिफरेंस भी देखेंगे लिस्ट और टपल में, भाई डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट का जाते जाते। यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड करके अगर आप लिखेंगे कुछ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 6 7 8 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, और अगर मैं इसे रन करूँ और यहाँ पे आके मैं इसे प्रिंट करा लूँ, तो लिस्ट 1 मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर भी। और जैसे मैं इसे अगर रन करूँगा तो यहाँ पर ये लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी, और ये लिस्ट थी 34 तक हमारी जब हमने पॉप करा दिया था उसके बाद, और 6 7 8 मैंने एक्सटेंड करे तो 6 7 8 से ये एक्सटेंड होके ये लिस्ट यहाँ तक हो गई। तो एक्सटेंड के अंदर आप कोई एक लिस्ट पास कर दें तो वो एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि उसके एलिमेंट्स आगे जाके उसमें जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप मिनिमम मैक्सिमम वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट 1 डॉट, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, लिस्ट 1 डॉट मिन आप लिखेंगे तो आपको मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, लिस्ट 1 डॉट मैक्स करके आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से ये सब चीजें आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये सब लाइन्स एग्जीक्यूट होके क्यों नहीं आई प्रोग्राम के अंदर, तो कमेंट्स वाली वीडियो आप जरूर देखें, कमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि भाई कमेंट्स मैंने बताया था आपको वहां पर, और इसीलिए हम इन कमेंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना था और मैं चाहता था कि ये चीजें यहाँ पर इग्नोर हो, तो मैंने कमेंट्स को यूज कर लिया। यही सब था लिस्ट के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टपल के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।